को दैवीय आशीर्वाद और 140 करोड़ भारतवासियों का साथ हासिल है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गिरिराज सिंह जी, हरदीप सिंह पुरी जी, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी मंच पर विराजमान, अन्य सभी महानुभाव और बेगूसराय से पधारे हुए उत्साही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय मंगला गढ़ मंदिर और नोखला मंदिर में विराजमान देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज विकसित भारत के लिए, विकसित बिहार के निर्माण के संकल्प के साथ बेगूसराय आया हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी विशाल संख्या में आप जनता जनार्दन, आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। साथियों, बेगूसराय की ये धरती प्रतिभावान युवाओं की धरती है। इस धरती ने हमेशा देश के किसान और देश के मजदूर दोनों को मजबूत किया है। आप इस धरती का पुराना गौरव फिर लौट रहा है। आज यहां से बिहार सहित पूरे देश के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए, उससे भी अधिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा, पहले ऐसे कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में होते थे, लेकिन आज मोदी दिल्ली को बेगूसराय ले आया है। और इन योजनाओं में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये मेरे बिहार के हैं। एक ही कार्यक्रम में सरकार का इतना बड़ा निवेश, ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ रहा है। इससे बिहार के नौजवानों को यहीं पर नौकरी के, रोजगार के अनेकों नए अवसर बनेंगे। आज के ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति
बनाने का माध्यम बनेंगे। आप रुकिए भैया, बहुत हो गए, आपका प्यार मुझे मंजूर है। आप रुकिए, आप बैठिए, आप चेयर पर से नीचे आ जाइए प्लीज। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप बैठिए, हाँ आप बैठ जाइए, वो कुर्सी पर बैठ जाइए आराम से, थक जाएंगे। आज की ये परियोजनाएं बिहार में सुविधा और समृद्धि का रास्ता बनाएगी। आज बिहार को नई ट्रेन सेवाएं मिली हैं। ऐसे ही काम है जिसके कारण देश पूरे विश्वास से कह रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, 2014 में जब आपने एनडीए को सेवा का अवसर दिया, तब मैं कहता था कि पूर्वी भारत का तेज विकास ये हमारी प्राथमिकता है। इतिहास गवा रहा है, जब जब बिहार और ये पूर्वी भारत समृद्ध रहा है, तब तब भारत भी सशक्त रहा है। जब बिहार में स्थितियां खराब हुई तो देश पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। इसलिए मैं बेगूसराय से पूरे बिहार की जनता को कहता हूं, बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। बिहार के मेरे भाई बहन, आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जब आपके बीच आया हूं तो मैं दोहराना चाहता हूं, ये वादा नहीं है, ये संकल्प है, ये मिशन है। आज जो ये प्रोजेक्ट बिहार को मिले हैं, देश को मिले हैं, वो इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इनमें से अधिकतर पेट्रोलियम से जुड़े हैं, फर्टिलाइजर से जुड़े हैं, रेलवे से जुड़े हैं, ऊर्जा, उर्वरक और कनेक्टिविटी, यही तो विकास का आधार है। खेती हो या फिर उद्योग, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है, और जब इन पर तेजी से काम चलता है तब स्वाभाविक है रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, रोजगार भी मिलता है। आप याद कीजिए, बरौनी का जो खाद कारखाना बंद पड़ चुका था, मैंने उसे फिर से चालू करने की गारंटी दी थी। आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। ये बिहार सहित पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। पुरानी सरकारों की बेरुखी के कारण बरौनी, सिंदरी,
गोरखपुर, रामागुंडम, वहां जो कारखाने थे वो बंद पड़े थे, मशीन सड़ रहे थे। आज ये सारे कारखाने यूरिया में भारत की आत्मनिर्भरता की शान बन रहे हैं। इसलिए तो देश कहता है, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी जे पूरा होय छे। साथियों, आज बरौनी रिफाइनरी की क्षमता के विस्तार का काम शुरू हो रहा है। इसके निर्माण के दौरान ही हजारों श्रमिकों को महीनों तक लगातार रोजगार मिला। ये रिफाइनरी बिहार में औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि बीते 10 साल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़े 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट बिहार को मिले हैं, जिनमें से अनेक पूरे भी हो चुके हैं। बिहार के कोने कोने में जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क पहुंच रहा है, इससे बहनों को सस्ती गैस देने में मदद मिल रही है। इससे यहां उद्योग लगाना आसान हो रहा है। साथियों, आज हम यहां आत्मनिर्भर भारत से जुड़े एक और ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। कर्नाटका में केजी बसिन के तेल कुओं से तेल का उत्पादन शुरू हो चुका है। इससे विदेशों से कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। साथियों, राष्ट्रहित और जनहित के लिए समर्पित मजबूत सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। जब परिवार हित और वोट बैंक से बंधी सरकारें होती है तो वो क्या करती है, ये बिहार ने बहुत भुगता है। अगर 2005 से पहले के हालात होते तो बिहार में हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाओं के बारे में घोषणा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता। सड़क, बिजली, पानी, रेलवे की क्या स्थिति थी, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। 2014 से पहले के 10 वर्षों में रेलवे के नाम पर रेल के संसाधनों को कैसे लूटा गया, ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन आज देखिए, पूरी दुनिया में भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की चर्चा हो रही है। भारतीय रेल का तेजी से बिजलीकरण हो रहा है। हमारे रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह सुविधा वाले बन रहे हैं। साथियों,
बिहार ने दशकों तक परिवारवाद का नुकसान देखा है, परिवारवाद का दंश सहा है, परिवारवाद और सामाजिक न्याय ये एक दूसरे के घोर विरोधी है। परिवारवाद विशेष रूप से नौजवानों का, प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही बिहार है जिसके पास भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की एक समृद्ध विरासत है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार यहां इसी विरासत को आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस की घोर परिवारवादी कुरीति है। आरजेडी कांग्रेस के लोग अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को उचित ठहराने के लिए दलित, वंचित, पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। ये सामाजिक न्याय नहीं बल्कि समाज के साथ विश्वासघात है। ये सामाजिक न्याय नहीं, समाज के साथ विश्वासघात है। वरना क्या कारण है कि सिर्फ एक ही परिवार का सशक्तिकरण हुआ और समाज के बाकी परिवार पीछे रह गए? किस तरह यहां एक परिवार के लिए युवाओं को नौकरी के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, ये भी देश ने देखा है। साथियों, सच्चा सामाजिक न्याय सैचुरेशन से आता है। सच्चा सामाजिक न्याय तुष्टिकरण से नहीं, संतुष्टिकरण से आता है। मोदी ऐसे ही सामाजिक न्याय, ऐसे ही सेक्युलरिज्म को मानता है। जब मुफ्त राशन हर लाभार्थी तक पहुंचता है, जब हर गरीब लाभार्थी को पक्का घर मिलता है, जब हर बहन को गैस, पानी का नल, घर में टॉयलेट मिलता है, जब गरीब से गरीब को भी अच्छा और मुफ्त इलाज मिलता है, जब हर किसान लाभार्थी के बैंक खाते में सम्मान निधि आती है, तब सैचुरेशन होता है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। बीते 10 वर्षों में मोदी की ये गारंटी जिन जिन परिवारों तक पहुंची है, उनमें से सबसे अधिक दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वही मेरे परिवार ही हैं। साथियों, हमारे लिए सामाजिक न्याय नारी शक्ति को ताकत देने का है। बीते 10 सालों में 1 करोड़ बहनों को, मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आई हैं, उसका कारण है 1 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बना चुके हैं। मुझे खुशी है
इसमें बिहार की भी लाखों बहनें हैं जो अब लखपति दीदी बन चुकी है। और अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को, आंकड़ा सुनिए जरा, याद रखना, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। हाल में हमने बिजली का बिल 0 करने और बिजली से कमाई करने की भी योजना शुरू की है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इससे बिहार के भी अनेक परिवारों को फायदा होने वाला है। बिहार की एनडीए सरकार भी बिहार के युवा, किसान, कामगार, महिला सबके लिए निरंतर काम कर रही है। डबल इंजन के डबल प्रयासों से बिहार विकसित होके रहेगा। आज इतना बड़ा विकास का उत्सव हम मना रहे हैं और आप इतनी बड़ी तादाद में विकास के रास्ते को मजबूत कर रहे हैं, मैं आपका आभारी हूं। एक बार फिर आप सभी को विकास की हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आई हैं, उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।